सागर जिले के रहली में एक वर्ष से नवनिर्मित भवन पूर्ण हो जाने के बाद भी किराए के भवन में चलाए जा रहे छात्रावास से शासन को लाखों रुपए की चपत लगाते हुए एक विभागीय कर्मचारी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। रहली नगर में आदिवासी जनजाति विभाग द्वारा संचालित 50 सीटर छात्रावास एक विभागीय कर्मचारी के भवन में 30,000 रुपए माह के किराए पर कई वर्षों से संचालित है, जबकि उक्त छात्रावास का भवन नियमानुसार शर्तों को पूरा नहीं करता। विभाग द्वारा विगत वर्षों में 1,38,00,000 की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण शुरू कराया था, जो बनकर एक वर्ष पूर्व तैयार हो चुका है और 30 दिसंबर 2020 में निर्माण कराने वाले ठेकेदार ने एजेंसी PIU को हस्तांतरित भी कर दिया था। PIU द्वारा सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को रिपोर्ट भी दे दी थी। विभाग ने बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया और बिजली मीटर भी लग चुका है, बिजली बिल भी आने लगा। इसके बाद भी विभाग द्वारा भवन हस्तांतरित नहीं किया गया। भवन में पानी, बिजली, वाटर प्रूफिंग कार्य, दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग शटर, मच्छर जाली, शौचालय और स्नानागार, अधीक्षक आवास, बाउंड्री वॉल सब कुछ तैयार है, लेकिन विभाग नए भवन में छात्रावास स्थानांतरण न करते हुए विभागीय कर्मचारी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाकर शासन को चूना लगाने में लगे हैं। आपने बिल्डिंग बनाई है ये आदिम जाति कल्याण विभाग से, ये लगभग एक साल से डली है ऐसी खाली, और क्यों डली, क्या कारण? हमने वो PWD PIU से बनाई है, तो हम PWD PIU को बिल्डिंग सौंप चुके हैं। क्या कारण है कि ये खाली डली इस तरह? अब तो हमें क्या लेना देना, तो कुछ तो कारण होगा। आपका PWD को जवाबदार थे, तो PWD के बिल्डिंग 30 दिसंबर में हैंड ओवर कर चुके बाई रिटेड। अगर उस कुछ नुकसान होता है बिल्डिंग का या कुछ भी, तो कौन जवाबदार इसका फिर? अब यार हमें नहीं कह सकते, हमने तो बिल्डिंग उनको दे दी। अब क्या है क्या नहीं है ये PWD जाने, आप PWD से बात कर लो।